गर्मा गर्म पकौड़े हो या चाय के साथ पराठे, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हर चीज के साथ होता है, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता कि रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में बनता कैसे है। समय समय पर ये भी खबरें सामने आती रहती हैं कि रिफाइंड ऑयल में सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि आखिर रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल पहले घी बनाने में किया जाता था, इस सबसे बचने के लिए ही रिफाइंड ऑयल को बनाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिफाइंड ऑयल आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर के साथ ये क्या करेगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इस ऑयल को बनाने के लिए लाखों टन सोयाबीन को फैक्ट्री में लाया जाता है, फिर मशीनों द्वारा इस सोयाबीन को साफ किया जाता है। इन मशीनों में सेंसर्स लगे होते हैं जो कि पत्थरों और कंकरों को डिटेक्ट करके इन्हें अलग कर देते हैं। फिर एक क्रशिंग मशीन में इस सोयाबीन को डाला जाता है जो कि सोयाबीन के दो टुकड़े कर देती है। इसके बाद सोयाबीन को उबालने के लिए एक बॉयलर में भेजा जाता है जिससे सोयाबीन सॉफ्ट हो जाती है और इसके सारे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसके बाद इस सोयाबीन को कन्वेयर की मदद से भेजा जाता है एक मैकेनिकल ऑयल प्रेसिंग मशीन में। ये मशीन सोयाबीन को प्रेस करके उसका तेल निकालती है। इस तेल को अभी हम रिफाइंड ऑयल नहीं कहेंगे, इसे रिफाइंड बनाने के लिए सबसे पहले इस ऑयल को 400 डिग्री के टेम्परेचर पर उबाला जाता है। उबालने के बाद इसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। जब केमिकल्स अच्छी तरह से ऐड हो जाते हैं तो एक बार फिर से इसे 600 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा। इसके बाद जो ऑयल निकलेगा उसे हम रिफाइंड ऑयल कहेंगे। इसके बाद इस ऑयल को अलग अलग बॉटल्स में भरा जाता है और इसकी ब्रांडिंग करके इस स्लो पॉइजन को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अभी हमने इसे स्लो पॉइजन इसलिए कहा क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हमें अंदर से खोखला करते रहते हैं। कई कंपनीज तो इसे बनाते समय इसमें खास तरह का साबुन भी इस्तेमाल करती हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक होगा। मार्केट में मिलने वाला कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो या ऑयल। इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिससे आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।